प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि नर्सिंग एक कला है और एक कलाकार होने के लिए आपको अपने दिल में प्यार होना चाहिए और अपने मरीजों के लिए करुणा होनी चाहिए। कुछ इसी रूप से मरीजों की सेवा करने वाली परिचारिकाओं को योगदान के लिए कल विश्व नर्स दिवस मनाया गया। इसी श्रृंखला में कल ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में विशेष आयोजन किया गया था। मानव के स्वास्थ्य के संरक्षण में जितना योगदान एक डॉक्टर का होता है उतना ही योगदान एक नर्स का भी होता है। नर्स ही मरीजों की निस्वार्थ भाव से देखरेख करती है ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक होकर एक बेहतर स्वास्थ्य को अपना सके। ऐसे में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व यह है कि इसी दिन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष में नर्सों का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में कल ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में विशेष आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विशेष रूप से ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की चेयरपर्सन डॉक्टर विद्या नायर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उषा नायर, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोजिना राणा प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थी, जहां इस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन कर की गई, जहां मौजूद सभी गणमान्यों ने चीर तेज की प्रदाता ज्योति जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि महात्मा गांधी ने परिचारिकाओं को भगवान का दिव्य दूत बोला है, जो मृत्यु मुख पर खड़े मरीज को भी जीवन दान देती है। इसी महत्व के मद्देनजर नर्सेस ऑफ द ईयर का सम्मान हॉस्पिटल के नर्सेस को दिया जाता है। इस साल का नर्सेस ऑफ द ईयर पुरस्कार ICU में कार्यरत नर्स किरण थुरनकर को दिया गया। इस पुरस्कार की घोषणा मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उषा नायर इन्होंने की, साथ ही प्रमुख अतिथि रोजिना राणा इनके द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सदाबहार बनाने के लिए नर्सेस द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां इस अवसर पर नर्सेस डे के उपलक्ष्य में चेयरपर्सन डॉक्टर विद्या नायर इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हर रोज नर्सेस डे है, नर्सेस के बिना डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के बिना हॉस्पिटल नहीं। यही सूत्र के आधार पर 27 से अधिक साल से ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई महिलाओं को एक करियर दिया है, एक दूसरी जिंदगी दी है। आज ये मेरा पहला अवसर है एज चेयरपर्सन नर्सिंग डे सबके साथ मनाने का। ये मेरा सबसे बड़ा बल है हॉस्पिटल का। इस मौके पे मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे फाउंडर पास्ट चेयरपर्सन मेरे फादर उदय भास्कर जी नायर को, जिन्होंने हम सबको ये मौका दिया। मेरा लक्ष्य है कि एक वातावरण जहां महिलाएं हार्ड वर्किंग, मल्टीटास्किंग, मेहनती, यहां एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहां आगे बढ़ सके और लोगों को इंस्पायर कर सके। आप सभी के साथ मैं एक ऐसा कल्चर बनाने का उद्देश्य रखती हूं जहां हर नर्स करुणामय, कंपैशनेट, कमिटेड, उत्तरदायित्व ले सके, अकाउंटेबल जिसे बोलते हैं, और जो क्वालिटी पेशेंट है को सबसे ज्यादा महत्व दे। मेरा मानना है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन सबसे अहम है। नर्स के बिना डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के बिना हॉस्पिटल नहीं। सबके सहयोग से ही हम सर्विस दे पाते हैं और मेरा विश्वास है हम सभी में एक लीडर छिपा हुआ है। On that note, I want to wish everyone a happy, healthy nursing day. और मैं अपनी माँ को का कोट करना चाहूँगी जो हमेशा बोलती है, हर रोज मदर्स डे है, जो मैडम ने भी बोला, हर रोज वुमेन्स डे है, और मैं ऐड करना चाहूँगी हर रोज नर्सिंग डे है। थैंक यू एवरीवन, वी सेलिब्रेट यू। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।